हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अहमदाबाद के पीच रिपोर्ट के बारे में। अब अहमदाबाद का जो पीच है ना, यहाँ पे जो है दूसरा मैच होने वाला है और वो होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अब दोनों टीमों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों टीमें काफी अच्छे फॉर्म में है, काफी अच्छा जो है उनके लास्ट दोनों मैचेस हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये भी मैचेस होगा। और पूरा एक आप देखोगे ना कि 1 लाख से ऊपर जो है वो ऑडियंस के बीच में जो है आपको ये मैचेस जब खेला जाएगा, एक बहुत ही बड़ा और हाई जो है वो आपको प्रेशर वाला मैच जो है वो हो सकता है दोनों टीमों के लिए। तब कैसा जो है रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इस बार हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और यहाँ पे जो एक मैच हुआ था उसके बारे में जो है मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, जो कि अभी तक जो 9 मैचेस हुए हैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट उठा चुके हैं। तो आप भी जो है जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉल सर्च करके, और ड्रीम इलेवन आप स्क्वाडिंग इलेवन में जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको इसे रिलेटेड सारी चीजें जो है देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले इस ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इस ग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले जो इसे मोटेरा गुजरात ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, अभी जो है आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जो है जाना जाता है। लोकेशन इसको आपको अहमदाबाद में जो है वो ये ग्राउंड स्थित है, और इतना तो आपको पता ही होगा कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 1,32,000 के आसपास है। और इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि शायद ये जो है फुल कैपेसिटी में जो है वो नजर आए आईपीएल के बाद से, क्योंकि आईपीएल में आपको पता होगा कि पूरे फुल कैपेसिटी में जो है ग्राउंड नजर आ रहा था। तो अब बात करते हैं कैसा जो है आपको देखने को मिल सकता है, कैसा जो है रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ की अगर हम लोग पिच की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि अहमदाबाद के जो ग्राउंड है वो एक एवरेज बैटिंग पिच की तरह जो है बिहेव करते हुए नजर आएगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड होगा ना उसमें आप देखोगे तो 11 पिचेज हैं। अब 11 पिचेज का मतलब है कि किसी के ग्राउंड पे अगर 11 पिचेज होता है, और आपको पता है क्रिकेट के लिहाज से जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्राउंड है, तो अगर जहाँ पे 11 पिचेज है तो उन 11 पिचेज में से जो है कोई भी पिचेज जो है इसके लिए चूज किया जा सकता है। लेकिन जो भी पिचेज चूज किया जाएगा उसमें देखो दो फैक्टर जो है इन्वॉल्व होगा। एक तो ये फैक्टर होगा कि मैच जो है वो अच्छा हो और मैच जो है वो इंटरेस्टिंग हो। इसके अलावा क्या है, क्राउड जो है जब इतना ज्यादा आएगा तो क्राउड को इंटरटेन करने के लिए भी ये भी कोशिश किया जाएगा कि जिस तरह का यहाँ पे मैच हो रहा है उस मैच को जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है बनाया जाए। तो उसके लिए या तो विकेट जो है वो स्पिन हो सकता है या फिर जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच हो सकता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि जैसा जो है आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच जो है देखने को मिला था उसी तरह का जो है विकेट रहेगा। अब उस विकेट की खास बात क्या थी, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। उस विकेट की खास बात यह थी कि इस ग्राउंड पे हमें देखने को मिला कि शुरुआत में जो फर्स्ट फेज होगा ना, फर्स्ट फेज में जो बॉलिंग है वो जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो डालेगा, और जो फास्ट बॉलर है खासकर वो बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट डालेंगे कि स्विंग जो है बाकी ग्राउंड की तरह, जैसे दिल्ली में कल स्विंग नहीं हो रहा था तो स्विंग जो है वो होगा। साथ में स्पिन भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि स्पिन भी जो है इस ग्राउंड पे होगा। तो जो फर्स्ट फेज होगा उसमें रन बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बैट्समैन के लिए, लेकिन जब सेकेंड फेज होगा तो जो आपको काफी अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं, फिंगर स्पिनर्स है, वो जो है यहाँ पे ज्यादा एक वाइटर रोल प्ले कर लेंगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्पिनर है उनसे जो है वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मिडिल ओवर में। और मिडिल ओवर जैसे जैसे यहाँ पे मैचेस होते जाता है, हमने अधिकतर देखा है कि जो अहमदाबाद का ग्राउंड है ये ग्राउंड जो है वो बैटिंग में कन्वर्ट होते जाता है। और इवन आपने आईपीएल में देख लो 200 रन जब चेस हुआ तो कितने बढ़िया तरीके से जो है धीरे धीरे बैटिंग में कन्वर्ट होते चला गया। लास्ट मैच देख लो जब न्यूजीलैंड यहाँ पे खेला था तो आपको देखने मिला था कि इंग्लैंड जो है वो 283 बनाया था 9 विकेट पे, और न्यूजीलैंड जो है वो 282 बनाया था इंग्लैंड, और 283 जो है वो 1 विकेट पर न्यूजीलैंड जो है वो चेस कर लिया था। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला कि बैटिंग जो है वो लास्ट में बैटिंग की तरफ जो है वो ग्राउंड मुड़ते जा रहा है और बैटिंग में जो है कन्वर्ट होते जा रहा है। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे मैसेज होगा वो मैसेज जो है वो इसी कंडीशन के हिसाब से जो है मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फास्ट बॉलर जो भी होंगे जो स्विंग अच्छा कराते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग, वो जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकते हैं। उसके बाद स्पिनर की जब बारी आती है बॉलिंग में, तो मिडिल ओवर में स्पिनर जो टेक्निकली बहुत अच्छा स्पिनर होगा और अच्छे फॉर्म में होगा वही जो है यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद से जो है अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जो बैट्समैन है वो कैसा रोल प्ले करेंगे, तो बैट्समैन जो शुरुआत में है अगर शुरुआत में ही मारने जाएगा तो वो हो सकता है कि आउट हो जाए, तो उनके लिए जो है वो थोड़ा सा आपको संभाल के जो है अपनी टीम में पिक करना है, या फिर जब सेशन में खेलते हो तो उनपे थोड़ा सा संभाल के जो है वो खेल सकते हो। उसके बाद से जो उसके बाद से बैट्समैन आएंगे यहाँ पे रन बनाने की संभावनाएं उनके बहुत ज्यादा रहेंगे कि एक अच्छा रन जो है बनाते हुए नजर आएंगे। और अगर ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर जो है उतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस ग्राउंड पे नहीं होगा। इस ग्राउंड पे आप देखोगे जो प्रॉपर बॉलर है वो इम्पैक्ट हो पाएगा और जो प्रॉपर बैट्समैन है वो जो है ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखे जो है अपनी सारी टीम
टीमें बनानी है या फिर आप सेशन एंट्री जो भी खेलते हो उसके हिसाब से जो आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा बात करते हैं कि अहमदाबाद में जो लास्ट मैच हुआ था, आप देख लो यहाँ पे लास्ट मैच जो है 5 अक्टूबर को जो ओपनिंग मैच था वही जो यहाँ पे हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जहाँ पे इंग्लैंड जो है 282 बना पाया 50 ओवर में और न्यूजीलैंड जो है 283 जो है बनाकर 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इंग्लैंड मैच को जीता था। इसके अलावा बात करते हैं तो उससे पहले जो है फरवरी में मैच हुआ था जहाँ पे इंडिया 265 बनाया था और वेस्ट इंडीज जो है 169 पे जो है ऑल आउट हो गया था। इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सको, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं। साथ में टेलीग्राम पर जुड़ते कॉल टू सर्च करते और टीम लिंक लैप स्क्वाडिंग लैप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगा। तो होप से वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलता है आप सभी वीडियो में, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि बेल बटन जो है आपको वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। मिलता है आप सभी वीडियो में, तब तक।